ए, क्या हुआ तुझे उससे? मतलब मतलब है तभी तो गाड़ी रोकी है। चल चल जा यहां से। अगर मैं चला गया ना तो जो दूसरा आएगा उसकी गारंटी नहीं है। चल बैठ। अरे बैठ ना। आई एम आदित्य। हाथ मिलाने से भी डरता है? कुछ तो बोल, क्या नाम है तेरा? आई एम मनीष, मनीष सिंह। क्या हुआ था तेरे साथ? दे ट्राइड टू मोलेस्ट मी। मोलेस्ट यू? काफी दिनों से आई हैव बीन फॉलोड बाय दिस बॉयज और आज मौका मिलती। ओ इट्स ओके। सर सर मेरा बार आ गया। आई मीन मेरा घर आ गया। थैंक यू सर। गुड नाइट। सुनो पर ये तो डांस बार है। सही कहा आपने, लेकिन हम जैसे अनफिट लोगों के लिए घर बार है ये, जिसे आप लोग डांस बार कहते हैं। अब तेरे को भी पैर लग गए? अन्ना सर ऐसा नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। अब तू मेरे को सिखाएगी मेरे को क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है? काम तो तुम लोगों से होता नहीं, रोमांस बराबर हो जाता है। ओ भाई साहब, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ए तू क्यों बीच में बोला? कौन है तू? इसका बॉयफ्रेंड है क्या? हाथ नहीं लगाना। ए बहुत आशिक देखे मैंने तेरे जैसे, चल निकल। अगर मैं अपनी पे आ गया ना तो ना तू नजर आएगा और ना तेरा ये डांस बार। मेरे को पहले से ही लगा तू बहुत बड़ा साहब है। अरे इनको मेरे केबिन में लेके जाओ, एसी ऑन करो, ठंडा बियर पिलाओ साहब को, दिमाग शांत करो इनका। साहब जाओ ना साहब जाओ। आइए सर। आप बैठिए मैं आता हूं। आदित्य जी। कहाँ खो गए थे? नहीं वो मैं तुम्हारी सच्चाई देखकर। बैठो ना। सच्चाई बहुत कड़वी होती है सर, बट दिस इज माय लाइफ। I've got to accept it. तुम इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेती हो। हाँ मैं एजुकेटेड सर। I have done my BCom. I belong to a middle class family from Rajasthan. प्रचोदया।
माँ मेरे गुरुजी और फ्रेंड्स आंगन में वेट कर रहे, मैं जाऊँ? हाँ जा बेटा, पर अपने बाबू जाने से पहले आ जाना। तू तो अपने बाबूजी का क्रोध जाने, समझे ना? और माँ आज रिहर्सल में तुम भी चलो ना मेरे साथ प्लीज। नाक कटा के रख दी तुम लोगों ने मेरी। मेरे पीठ पीछे घर में यही सब चलता है और तू भी उसे शह दे रही है तुलसी। ठाकुर साहब, मैंने तो इसका दिल और मेरे दिल पर जो गुजर रही है उसका क्या, ये सोचा तुमने कभी? और मैं छाती तान के चलूं और वो मनहूस कमर मटका के, औलाद नहीं श्राप है, श्राप। तुलसी, तूने ऐसी औलाद को जन्म दिया जो ना मेरी अर्थी को कांधे दे सके और ना ही मेरी चीता को आग। अगर मुझे पहले से पता होता ना कि मेरी औलाद एक किन्नर है तो देवी माँ की कसम उसके पैदा होते ही मैं उसका गला घोट देता। मेरे साथ एंड आई वॉज लेफ्ट विद नो चॉइस। और एक दिन में अपनी माँ की सैक्रिफाइस और उनकी सपोर्ट की वजह से मुंबई आ पाई। ओ साहब, क्यों मेरे धंधे की माँ बहन कर रहे हो? मैंने आपको उंगली क्या पकड़ने को दी, आपने मेरा गला पकड़ लिया। साहब ये लड़की नहीं नाची ना तो इसके चाहने वाले मेरे को नचा देंगे साहब, मेहरबानी करो साहब। अच्छा मैं चलती हूँ, पर मैं तुम्हें यहाँ किस नाम से बुलाऊं? समाज के तानों से बचने के लिए मनीष और पेट भरने के लिए मधु। हाँ मधु, मधु बुलाओ, मधु बुलाओ। हम दोबारा कब मिल सकते हैं? अरे साहब, शेट्टी का दरबार है, यहाँ आने का और मधु के ऊपर पैसा उड़ाने का। बाय। जा जा अपने काम पे लग। Belated happy anniversary. Sorry से बात बन सकती है? बिल्कुल नहीं। I think हमारे relationship में thank you और sorry words की कोई जगह नहीं है।
थैंक यू सीमा। वैसे कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हो, अगर ठीक लगे तो। पता नहीं सीमा, एक्सपीरियंस तो ऐसा हुआ जैसे किसी ने आपकी जिंदगी को एक पल में हिला दिया। समझ में नहीं आता कहां से शुरू करूं। इट्स ओके आदित्य, जब तुम्हें कंफर्टेबल फील हो तब बता देना। वैसे बिलेटेड हैप्पी एनिवर्सरी का केक काटे। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। आदित्य साहब कहाँ खो गए, काफी दिनों से देख रहा हूं मैं आपको। मधु के लिए आ रहे हो? मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, क्या देखा क्या आपने इस मधु में जो दूसरी लड़कियों में नहीं है? आपको पता भी है ये लड़की नहीं है, किन्नर है, किन्नर। एक बात बता शेट्टी, तूने इसमें ऐसा क्या देखा? इंसानियत। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है ना साहब, वरना ऐसे लोगों को नौकरियां कौन देगा? आई एम वेरी गॉड फियरिंग सर, वेरी गॉड फियरिंग। एक तू ही नहीं है शेट्टी शहर में जो इंसानियत रखता है, और भी लोग हैं मुंबई में जो इंसानियत रखते हैं। You are looking so beautiful. आदित्य सर आप भी ना। आदित्य सर, अभी तक आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मेरे बारे में जान के क्या करोगी? पर एक बात बताओ, तुमसे यहाँ की लड़कियां जेलस नहीं होती? क्यों नहीं, कंपटीशन तो हर फील्ड में होता है, जेलसी तो हर जगह होती है, मगर मोस्टली गर्ल्स मुझे सपोर्ट करती हैं। दरअसल वो जानती है मेरी असलियत क्या है। एक बात बताओ मधु, तुम यहाँ कैसे पहुंची? इसके पीछे भी एक कहानी है, वो मेरी रूम पार्टनर चांदनी। आर यू कम्प्लीटली आउट ऑफ योर माइंड? तू ऑडिशन के लिए जा रही है, किसी जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं। मगर चांदनी, मैं कैसे? अगर मगर कुछ नहीं, तुझे पता भी वो आदमी कौन है? रॉकी भल्ला। वो किसी की भी लाइफ बना सकता है। मतलब कुछ तो हॉट एंड सेक्सी होना चाहिए। लेकिन चांदनी, मैंने कभी इस तरह के कपड़े, तू समझ रही है ना? डोंट वरी, अब मैं तुझे मनीष से मधु बनाऊंगी, ओके? अरे मेरा नाम रॉकी भल्ला है, आई एम अ स्टार मेकर। गुप्ता जी, डू अंडरस्टैंड? हाँ, मैं करता हूँ फोन। यस, कहिए।
सर आप भल्ला सर हो? ऑफ कोर्स आई एम रॉकी भल्ला। और आप? मैं मनीष। मनीष? आई मीन मधु। अरे हाँ, हाँ, चांदी की फ्रेंड। हाँ सर। हाँ, मधु, चांदी ने तुम्हारा जिक्र किया था। ओ, जरा ऐसे घूमा, इस तरफ लेफ्ट प्रोफाइल देखो। अब मेरी तरफ जरा इस तरफ मुड़ना, इस तरफ मेरी तरफ, बस बस होल्ड होल्ड होल्ड। क्या फिगर है? आई एम अ स्टार मेकर, मैं तुम्हें टॉप की हीरोइन बनाऊंगा। थैंक यू सर, बट मैं हीरोइन नहीं तो डांसर बनने आई हूँ। डांसर? ये तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें टॉप की डांसर बनाऊंगा। चलो तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट लेते हैं, वो भी डिटेल में। चलो। स्क्रीन टेस्ट? ऑडिशन? ऑडिशन का नाम नहीं सुना? चलो ऑडिशन लेता हूँ तुम्हारा। कहाँ सर? यहाँ मेरे फार्म हाउस में अंदर, और नहीं तो कहाँ? कम ऑन, लेट्स बी फ्रेंड्स, कम ऑन, शेक हैंड्स, दैट्स गुड, आई लाइक इट, कम ऑन, लेट्स गो। Come, 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 baby, let's go. सर ये क्या कर रहे हैं आप? सक्सेस पाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। सर प्लीज, मैं ऐसे नहीं हूँ सर। सर। जो मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था, आपने तो मेरे साथ वो भी। क्या अब मुझे काम मिलेगा? आप मैं डांसर बनूंगी ना? तो चल, मैं तुझे एक जगह लेके चलता हूँ जहाँ तू अर्न भी करेगी और लर्न भी। रेडी हो जा। सर मेरा टैलेंट भी कहा हुआ है, मैं नहीं, और इस आदमी ने मेरे साथ धोखा किया है, चीट किया है मेरे साथ। This man tripped me. Hey, जो मुंह में आया। Hey, भल्ला। लेकिन भाई। चुप। एकदम चुप। आवाज नीचे। चल। निकल चल। निकल। चलता हूँ। तेरी पूरी स्टोरी समझ में आई। तू वापस जाना चाहती है? टिकट निकलवा दूं तेरी? मैं जाने के लिए नहीं आई हूं सर। अगर मेरी किस्मत में संघर्ष लिखा हुआ है तो मैं लड़ूंगी, और एक दिन बॉलीवुड की टॉप डांसर बन के दिखाऊंगी। कोई तो बात है तुझमें, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। थैंक यू, थैंक यू शेट्टी सर। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? पैसे चाहिए तुझे? नहीं सर, काम चाहिए। मेरे डांस बार में काम करेगी तू? चॉइस भी तो नहीं है मेरे पास सर। ये था मेरा सपना और ये है मेरी किस्मत। इस दुनिया में कमर में हाथ रखने वाले बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं मिलता। बट आई एम लकी कि मुझे शेट्टी सर जैसे इंसान ने सहारा दिया। क्या बात करता है तू? यहाँ पर कुछ लोग अपनी किस्मत लिखवा कर आते हैं और कुछ लोगों को अपनी किस्मत लिखनी पड़ती है। इसी को तो जिंदगी कहते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस।
कल तुम्हारे साथ क्या हो जाए किसी को क्या पता, क्यों ना? क्या करे, यहाँ ना कोई अच्छा एक्टर है ना ही कोई अच्छा डांसर है। आई थिंक वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, कल फिर से ऑडिशंस रखने पड़ेंगे। और ये आदित्य कहाँ है? Where is the producer? आदित्य, is this the time to come? यहाँ हमारे ऑडिशंस फेल हो रहे हैं और तुम? ये वो मधु क्या? मैं ये वो और ये कौन है? ये मधु मतलब बोलने दीजिए मुझे, आज अगर नहीं बोलूंगी तो शायद फिर कभी नहीं बोल पाऊंगी। मैं किन्नर हूं, समाज से ठुकराई हुई किन्नर जो अपने सपने लेकर मुंबई शहर आई है ताकि इस फिल्म इंडस्ट्री में टॉप की डांसर बन सकूं। एंड आई कैन डांस वेरी वेल, लेकिन मेरी बदकिस्मत यही है कि मैं एक बार डांसर हूं। बार डांसर? आदित्य, गिव मी अ ब्रेक। यही तो हमारी प्रॉब्लम है। किस बात की डायरेक्टर हो तुम? मुझे तो लगता है तुम्हारे सारे अवार्ड्स छीन लेने चाहिए। सच्चाई दिखाने के लिए फिल्में नहीं बनाती हो तुम? कीड़े मकोड़ों की डॉक्यूमेंट्रीज नहीं बनाती हो तुम? गटर में उतर के शूटिंग नहीं करती हो तुम? Yes, I do. तो फिर भी एक इंसान है। Now tell me, are you going to take her audition or not? Yes, come. Of you. तुम एक बहुत अच्छी डांसर हो आदित्य। I'm very proud of your discovery. वाकई में if I don't give her break, God will not forgive me. Thanks. मैं कहता था ना, life is full of surprises. And today you got the break. Got it. Very good, Madhu. क्या बात है? एक टेक में ओके। पर मधु, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैम, दूसरा शॉट लगाने से पहले कुछ ऐसी बात है जो मैं सबके सामने कहना चाहूंगी। Sure, go ahead. May I have the silence, please? Friends, आज मैं आप सबसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आज मेरे साथ दो बातें हुई है। एक, इतने सालों बाद मेरे पापा ने मुझे फोन किया,
उन्होंने बताया कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। सूट से कुछ देर पहले ही वो आज उनकी वजह से इस शहर में अपना सपना पूरा करने के लिए आ पाई। मेरा सपना तो पूरा हो गया लेकिन वो नहीं रही। I miss you, Mom. And I dedicate this performance to you. क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था द शो मस्ट गो ऑन, इसी को आर्टिस्ट कहते हैं। और दूसरी बात ये है, इतने सालों बाद मेरे पापा ने मुझे एक्सेप्ट किया है जो मुझे सबसे ज्यादा नफरत करते थे। चलो, इतने सालों की कड़वाहट जो अपने बच्चे के लिए थी वो तो खत्म हुई, मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। अन्ना सर, आदित्य जी, सीमा मैम, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी आप लोगों को। लेकिन मेरी तरह हर कोई लकी नहीं होता। देखा जाए तो क्या है हमारी जिंदगी में, हमें कहीं नौकरी नहीं मिलती। We are abused by the society. Our own people make us realize that we are unwanted and unfit. हमारी कमजोरी का फायदा उठाया जाता है। दोष हमारा है क्योंकि हम सोसाइटी के लोगों का अपना फायदा उठाने देते हैं। हमें आप लोगों की सिंपैथी नहीं चाहिए, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। हम आप लोगों को ये रियलाइज करवाना चाहते हैं कि हम भी इस यूनिवर्स का एक हिस्सा है। अगर गॉड ने हमें ऐसे बनाया तो इसमें हमारी क्या गलती है। हम भी आप ही की तरह एक इंसान है। We are not unfit. We are totally fit. हमें आपकी नफरत नहीं, बस आपका सपोर्ट चाहिए।